मालविका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई हो बच्चे होंगे, काफी टाइम से पार्लर नहीं आए हैं। देखिए कैसी नोक्सी आ गई हैं, स्टेप्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो मैं भाभी के पास आई हूँ स्टेप कटिंग करवाने के लिए, ट्रिमिंग करवाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत टाइम से सोच रही थी कटिंग करानी है, जो आगे के जो हेयर हैं उनकी शेप बिल्कुल ख़राब हो गई थी। वैसे तो पीछे भी स्टेप्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन आगे के जो हेयर थे वो आँखों में आ रहे थे। जब मैं काम कर रही थी, स्पेशली किचन वर्क कर रही थी, तो फिर एकदम आँखों में आते थे, तो बड़ी प्रॉब्लम सी होती है। तो मैंने सोच लिया था आज तो मैं ज़रूर कटिंग कराऊँगी। तो मैं नैनीताल से आते वक्त मतलब रास्ते में ही उतर गई, क्योंकि नैनीताल रोड पर ही भाभी अब रहने लगी हैं, तो उनका पार्लर वहीं पर ही है शांति नगर में। तो वहाँ मैं चली गई भाभी के पास हेयर कटिंग कराने के लिए, क्योंकि भाभी की आदत है मुझे, तो मैंने कहा देख भी आती हूँ कि भाभी ने कैसा घर बनाया है। उन्होंने अपना घर बनाया है और फर्स्ट फ्लोर में खुद रेजिडेंस है और सेकंड फ्लोर में उन्होंने पार्लर खोल रखा है। तो फिर बहुत समय बाद गई, अच्छा लगा भाभी से मिल के, बातें भी हुई, चाय नाश्ता भी हो गया और कटिंग भी हो गई। जब छोटे हेयर की आदत पड़ जाए तो फिर ना बड़े हेयर अच्छे नहीं लगते। वैसे तो वो भी बड़े नहीं थे, लेकिन स्टेप्स गायब हो गए थे। और जब हम कटिंग कराते हैं तो फिर जो हेयर है शॉर्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि उनकी शेप बिगड़ जाती है। मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़े बेढंगे ढंग से बाल बढ़ते हैं, जिससे नोके से निकल आती है। तो भाभी कटिंग कर रही, जल्दी जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है, इसलिए कोई खास नहीं बनाई, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, एक ब्लॉग हो जाएगा। तो बस मैंने स्पीड बढ़ा दी है और इसके साथ में मतलब एक टोन टाइप चला देती हूँ। आप वीडियो एंजॉय कीजिए और देखिए भाभी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कटिंग कर रही है। Thank you.
कटिंग करानी है, क्योंकि शॉर्ट करवाई है, क्योंकि आना भी मतलब लेट हो जाता है, बहुत दिनों बाद आई हूँ, टाइम नहीं मिल पाता मुझे। भाभी के हाथ की कटिंग अच्छी लगती है, तो शॉर्ट स्टेप कटिंग, शॉर्ट हेयर। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।